आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? कि हमें अल्टीमेटली मीडिया को सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा, क्यों हमारी मजबूरी है। जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना अपना कीमती वक्त निकाला, हमें खिदमत का मौका दिया, और हम वेलकम करते हैं सुहेल फ्राई साहब को। तो हमारी जो ख्वाहिश थी कि सुहेल फ्राई साहब आए हमारे पास, और हमें आपको पता है हमने कोशिश किया हमेशा कि किसी न किसी बहाने अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते रहते हैं। ये वो लोग हैं, इनको मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप पाकिस्तान में जाएं, कभी आपकी इवन विश भी हो, स्टिल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी हम कोशिश करते हैं इनको यहाँ पे बुला के आपको मौका फराहम करते हैं, आप मिले, इनसे बातचीत करें, अपने ख्याल का इजहार करें, उनका एक ही मकसद होता है ताकि हमारे बहुत सारे लोगों के दिलों में काफ़ी सवालात होते हैं, ताकि वो आप अपने अपने सवाल क्लियर करें। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आपने पूछना है कोशिश कीजिएगा, भी हमें ये जहन में रखना है, ये हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, और हमारी विश पे और हमारी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ लाए हैं। तो आप को अंदाज़ा ही है जब कोई हमारा मेहमान होता है उसको कैसे हमने ट्रीट करना है और किस तरह वेलकम करना है। तो पहले तो सुहेल फ्राई साहब के लिए बहुत सारी तालियां। ये फरद खान जो है हमारे साथ बैठी हुई है, ये माशाल्लाह हमारी काफ़ी एक्टिव मेंबर है, और काफ़ी देर से हम मिलके काम भी कर रहे हैं, और ये भी एक्स आप कह लें जियो मेंबर हैं, और जियो फैमिली कह लें, उन्होंने जियो के साथ बहुत अच्छा काम, काफ़ी देर काम भी किया है, और सुहेल फ्राई साहब की कुलीग भी रही है, मोदी साहब तो हैं ही हैं, और अजीम मियाँ साहब ये माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, ये भी जियो फैमिली के मेम्बर हैं, न्यूयॉर्क से तशरीफ लाए हैं, इनको वेलकम करते हैं। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा फरद खान जी को, प्लीज अपने ख्याल का इजहार करें, फिर काम पे चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों का अगेन शुक्रिया, शाह साहब ने ऑलरेडी आपको शुक्रिया कह दिया है, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोगों का आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सुहेल फ्राई साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं एक दिन जियो जो शो इनका चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, जब एक दिन जियो शुरू हुआ था तो वड़ाइत साहब के खिलाफ काफ़ी लोगों ने, ऑफिस से भी और बाहर से भी लोगों ने, जो ऑनर थे जियो के, उनको उन्होंने कहा कि ये तो शो चलेगा नहीं, उनको तो बोलना ठीक नहीं है, एक्शन ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो हुआ ये कि जो शकील साहब हैं, जब उनको मुखालफत में बहुत बातें हों तो उस चीज़ को समझते हैं ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, और ये शो तो चलेगा ही चलेगा। तो हुआ वही कि जब इन्होंने शो शुरू किया तो इनका एक जुदा गाना था, और बड़ा हम्बल और बड़ा सॉफ्ट किस्म का अपना एक स्टाइल था, और फिर इनका एक जो बोलने का और क्वेश्चन जो एक धीमे धीमे से ड्रोन हमले करते हैं ये लोगों पे, और फिर आंसर भी वो लोग कर देते हैं। तो होता ये है कि वो शो फिर होता होता इनकी पैरोडी और करेक्टर्स भी बनने लगे, और अब माशाल्लाह से इन्होंने अब तक कोई 600 शो कर लिए हैं अब तक एक दिन जियो के साथ, और कोई 11 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और इनका बेसिकली इनका जो हम शुरू में काम करते थे तो ये एडिटोरियल मैगजीन इनका शोभा था, तो एंकरिंग तो थे नहीं, ये लिखने वाले आदमी थे, बोलने वाले आदमी नहीं थे, और इनका मतलब इनकी जो कमांड थी वो कलम पे थी। हुआ ये कि फिर वो शो हिट हुआ और अब आपके सामने आज तक चल रहा है, कई शो आए बंद भी हो गए, लेकिन एक दिन जियो आज भी हमारे साथ है, और ये जुग जुग जिए जी एक दिन जियो के साथ। और दूसरा इनका मैं छोटे छोटे, और आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप क्वेश्चन आंसर करें और इन सुहेल साहब और आप आमने सामने होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इनके बारे में बताती चलूँ कि इनके एक दो इंटरव्यूज ऐसे थे जो कि आप सुनते भी होंगे लेकिन मुझे वो काफ़ी याद रहती है बात। ये गए इमरान खान साहब के घर, और उधर उनकी और जुमैमा का आपस में कुछ चल रहा था, जुमैमा लंदन चली गई थी, तो ये इंटरव्यू करने गए तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन करना भी था और नहीं भी करना था, क्योंकि अभी ओपन नहीं हुई थी उनकी सेपरेशन। और इन्होंने कहा जी कि खान साहब भाभी नज़र नहीं आ रही, हालात तो अच्छे हैं। अब वो सवाल भी हो गया और काम भी हो गया। फिर उसके बाद ये मीरा और निर्मा वगैरह आए थे एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू करते हैं, तो इन्होंने, निर्मा एक एक्ट्रेस थी काफ़ी फेम मिला उनको,
कुछ गानों से शाजिया मंजूर के, एकदम से वो गायब हो गई और उनको काम मिलना बंद हो गया। अब सुहेल साहब उनके घर गए इंटरव्यू करने और उन्होंने उनसे कहा जी कि कोठी तो बड़ी शानदार बना रखी है, फिल्में तो आपको मिलती नहीं, आमदनी की और क्या क्या जराए हैं। अब उसमें भी इनका काम भी हो गया और बात भी हो गई। फिर ये इसी तरह बाबरा शरीफ का इंटरव्यू कर रहे थे तो बाबरा, हालांकि पहले क्वेश्चन आंसर सब चीज़ें डिस्कस होती हैं और टीम पहले बताती है, तो बाबरा साहब आप बैठी थी, इन्होंने इंटरव्यू किया जवानी का क्या राज है। अब वो माइंड कर गई कि जवानी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, आप जवानी ही कहेंगे उर्दू में और क्या कहेंगे। खैर वो फिर थोड़ी देर के लिए कैमरे शट डाउन हुए, उसके बाद उसने कहा जी ठीक है, आप मैंने क्वेश्चन चेक किए थे तो ये क्वेश्चन था उसमें, तो अब तो बनता नहीं है कि आप किसी किस्म का आर्गूमेंट करें। कैसा मो ये सारा सिलसिला चलता रहा और एक दिन जियो भी चलता रहा और अब चलता रहेगा। आप सब लोगों से बस दरख्वास्त है कि जो रिस्पेक्ट और उसको मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन करें, जो आपके दिल में आए पूछें और जो इनके दिल में आएगा ये जवाब आपके अपने जितने भी सवाल हैं पूछें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा छोटा सवाल हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर कर सकें और आपके जो सवाल के जवाब दे सकें। बहुत सारा शुक्रिया एक बार फिर सुहेल व्यास साहब का, सर आपको बहुत वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई खुश हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ अपना मकाम हासिल करते हुए देखा, और अब माशाल्लाह हमें पाकिस्तान में भी पता चलता है और यहाँ भी अब आगे पता चलता है कि आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से यहाँ पे एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लिया है, अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दे रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी बरतानिया की तरह यहाँ के सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, और जिस तरह वहाँ लोग एमपीज और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनते हैं, और फिर उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि वो अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचाते हैं बल्कि बैक इन पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लान चल रहा है वो डेफिट है, और वो बरतानिया हमें एजुकेशन और हेल्थ में मदद दे रहा है, और उसकी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि यूके में रहते हैं, कि सबसे बड़ा बजट इसराइल से भी बड़ा बजट जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है एजुकेशन और हेल्थ में फ्रॉम यूके, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी है। बाकी जहां आप सब सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के हालात, तो सच्ची ये बात है कि दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। इस वक्त हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि हम कई दफ़ा क्राइसिस से गुजरे हैं, कई इससे हालात इतने बुरे होते थे, लेकिन होता यह था कि जब हम ये सोचते थे कि अगर इन हालात को कोई ना कोई तब्दील कर सकता है, हमेशा हमारे दिल में एक उम्मीद रहती थी, और वो उम्मीद की वजह से वो क्राइसिस हमें क्रॉस कर लेते थे हम, कि अगर एक हुकूमत फेल होती थी तो हम कहते थे दूसरी हुकूमत आ जाएगी, और पॉलिटिक्स फेल होती थी तो फौजी हुकूमतें आ जाती थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सारे तजर्बे करके इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जिसमें कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, एक दूसरे को गाली देना, नफरत करना, रिवेंज लेना ये मामूल बन चुका है, और इस पे हम थ्राइव कर रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं कि मैंने उसको गाली दी है, मैंने उससे नफरत की है, मैं उससे उसको नहीं आने दूंगा, उसको पकड़ के अंदर कर दूंगा। अगर तो पॉलिटिक्स का यही शार रहा जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लोग इन्वेस्टर जो है वो ये देखता है कि सिस्टम क्या स्टेबल है, क्या सिस्टम के आगे बढ़ने के इम्कान हैं, अगर वो ना हो तो जाहिर है फिर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पैसा तो बहुत हमेशा खौफ खाता है और पैसा हमेशा महफूज टाइम पे बाहर निकलता है। अब सवाल ये है कि ये क्राइसिस पैदा क्यों हुआ और इसका हल क्या है, तो मेरी हम्बल ओपिनियन में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान बना
हमें पहला एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया से मिला। पहले 1947 में ही हमारी पहली जंग जो है वो इंडिया से हो गई। चुनांचे उस वक्त से हमें ये खौफ पैदा हो गया कि शायद पाकिस्तान कहीं ख़त्म ना हो जाए। चुनांचे पिछले 70-75 साल में हमने अपनी सारी तवज्जो बहसियत मजबूरी फ़ौज की तरफ रखी, फ़ौज को मजबूत किया, फ़ौज के डिफेंस को पैसे दिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इस हद तक दिए कि हमने एटम बम बनाया, इस हद तक कि हम जो है बहुत से कम मुल्क हैं जिनके पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, हमने मिज़ाइल बनाया। हमारे पास 6-7 लाख फ़ौज है जो बड़ी अच्छी दुनिया की फ़ौज शुमार होती है। तो इसमें तो हमने कामयाबी हासिल की कि जो हमने उस वक़्त ये तय किया था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट है। लेकिन अफसोस ये है कि जो उसके साथ पैरेलल चीज़ें होती हैं कि आप पार्लियामेंट को भी मजबूत करते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी मजबूत करते हैं, अपने अदारों को भी मजबूत करते हैं, अपने मीडिया को भी मजबूत करते हैं, अपनी अदलिया को भी मजबूत करते हैं, बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। 1954 में पहली असम्बली टूट गई। बहुत से लोगों को तारीख याद नहीं, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये किरदार एस्टेब्लिशमेंट का ये आज से शुरू नहीं हुआ, ये अदलिया का किरदार आज से शुरू नहीं हुआ। 1954 में पहली इलेक्टेड असम्बली टूटी और उस वक्त के चीफ जस्टिस मुनीर ने उस असम्बली के तोड़ने को जायज़ करार दिया। ये 1954 है। और फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अगर आप कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोगों को ना याद हो, 1956 में उस वक्त मशरकी पाकिस्तान मौजूद था, हम मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने मजबूर किया, दबाव डाला और सौर भारती को स्टंप करके इस बात पे तैयार किया कि अगर जो आबादी मशरकी पाकिस्तान की ज़्यादा है लेकिन हम मगरबी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान बराबर होगा। चुनांचे पैरिटी के असूल के तहत 1956 की का कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो बना। और बदकिस्मती ये है कि सिर्फ उसको चले हुए 2 साल हुए थे कि 58 में पहला पाकिस्तान का मार्शल लॉ लग गया। और 1958 से जो पहला मार्शल लॉ लगा तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, अदारे ख़त्म हो गए, एक नया सिस्टम बना गया जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। फिर क्या हुआ कि उस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों के जो सियासतदान थे वो खड़े हो गए। फातिमा जिनाह जो थी वो भी खड़ी हुई और फातिमा जिनाह को शिकस्त हो गई। लेकिन उसके बाद से अयूब खान साहब का इक्तदार जो है वो ख़तरे में पड़ गया। और आखिरी जो उनको झटका लगाया कि उनके ही वज़ीर ख़ारजा जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने ये कहा कि ताशकंद के अंदर जो 1965 की वार का वायदा हुआ है इसमें उन्होंने दरअसल कश्मीर को भेज दिया। यहाँ से अयूब खान के पांव भी उखड़ गए। और फिर उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि अयूब खान ने एक सिस्टम जो बनाया था वो चल रहा था, तो उस सिस्टम के तहत स्पीकर को इक्तदार मुंतकिल होना चाहिए था, यानी अयूब खान जाते तो उनके बाद बदकिस्मती क्या देखें, वो मशरकी पाकिस्तान का बंदा था जो उस वक्त स्पीकर था नेशनल असम्बली का। अब ये मशरकी पाकिस्तान के बंदे को इक्तदार देना नहीं चाहते थे, चुनाचे अपने ही साथी याहिया खान को इक्तदार दे दिया गया। और फिर याहिया खान के दौर में आप देखें कि क्या हुआ कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन ऐसा हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में सारी अवामी लीग जीत गई। वहाँ पे पूरे सूबे के अंदर सवाए 3 सीटों के मुस्लिम लीग के, बाकी तमाम सीटें शेख मुजीबुर रहमान जीत गया। पंजाब के अंदर उस वक्त जो फौज की फेवरेट या एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात थी वो क्यों मुस्लिम लीग थी, लेकिन यहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत गई 67 सीटों के साथ। चुनाचे अब याहिया खान को ये खतरा लगा कि मुझे तो ये सदर नहीं बनाएंगे। जो चुनाचे उसने 1.5 साल तक ना शेख मुजीब को ना पीपल्स पार्टी को इकतदार ही मुंतकिल नहीं किया, यानी इलेक्शन हो गए लेकिन इलेक्शन के बाद इकतदार ही मुंतकिल नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि इस दौरान मशरकी पाकिस्तान में आम बगावत हो गई। और मशरकी पाकिस्तान में बगावत इस हद तक पहुंची कि आखिरकार हमें 2 लख्त होना पड़ा। और
जो वो मुल्क था वो हमसे अलग हुआ। उसके बाद फिर एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई और वो पॉलिटिक्स क्या थी कि याह्या खान जब ये बशर की पाकिस्तान का वाकया हो गया, अब ये तारीख की किताबों में आ चुका है, आप शायद बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो कि याह्या खान जब GHQ गए इस वाकये के बाद, तो वहां जो आम फौजी थे उन्होंने उन्हें बड़ा बड़ा कहा और उनको अपना हुक्मरान तस्लीम करने से इनकार दिया। चुनांचे मजबूरन उन्हें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो उस वक्त अक़वामे मुत्तहिदा में तकरीर करने के लिए अमरीका आए हुए थे, उनको फौरी तौर पर बुलाना पड़ा और बुला के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिविलियन को एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यानी फेल सिस्टम इस कदर हो चुका था कि सिविलियन सिस्टम चल ही नहीं सकता था, चुनाचे उनको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। फिर एक मुल्क का नया सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन फिर आगे फिर तब्दीली आई कि पाकिस्तान में पहली दफा एक आइन बना, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इस आइन की खूबी यह है कि यह मुस्लिम दुनिया का वो पहला आइन था जिसमें यह तय हुआ कि मुस्लिम दुनिया जम्हूरियत और इस्लाम दोनों को मिला के साथ चलेगी। जो कायदे आजम का और इकबाल का नजरिया था कि जम्हूरियत और इस्लाम को मिला के एक नया आइन बनना चाहिए, चुनाचे ये 1973 का आइन वो था जिस पे तमाम सूबों ने साइन किए, जिसमें तमाम बलोच लीडर्स ने, पख्तून लीडर्स ने, मजहबी लीडर्स ने, नूरानी साहब ने, मुफ्ती महमूद ने, जो भी उस वक्त के जितने रानुमा थे सब ने साइन किए और पाकिस्तान का एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर आप देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत सारे इख्तियार दिए गए, लेकिन हुआ यह कि उसी असम्बली ने चंद इख्तियारात जो अदलिया के थे वो छीन लिए तरामीम करके, और फिर नतीजा ये हुआ कि भुट्टो साहब ने जहां अच्छे काम किए वहां एक बहुत गलत काम ये किया कि अपोजिशन को विक्टिमाइज किया, मौलाना मुफ्ती महमूद को और मियां तुफैल मोहम्मद को और जितने भी मलिक कासिम को तशद्दद किया गया, चुनांचे एक नफरत की फजा पैदा हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया। अक़वामे जो कौमी इत्तेहाद था वो जनरल ज़ियाउल हक के साथ कैबिनेट में शामिल हो गई, यानी पॉलिटिशियंस दो हिस्सों में तकसीम हो गए, एक ज़ियाउल हक के साथ मिल गए, दूसरे जो थे वो अपोजिशन में आ गए, और फिर भुट्टो को फांसी दे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि कौमी इत्तेहाद की काबीना सिर्फ उतनी देर रही जितनी देर तक भुट्टो को फांसी नहीं दी गई, भुट्टो को फांसी दी गई तो उनको भी फारिग कर दिया गया और मुकम्मल मार्शल लॉ लग गया। तो उसके बाद जो है उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल शुरू हुई, MRD बनी, आपको याद होगा सारी सियासी पार्टियां इकट्ठी हुई और इस हद तक जुल्म हुए कि हैदराबाद के बाहर एक जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था, 300 बंदे को हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए एक ही दिन में एक ही मौके पर मार दिया गया और उसकी कोई खबर भी नहीं आई। बलोचिस्तान में हम 4 दफा ऑपरेशन कर चुके हैं और बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त भी आम बगावत जो है उसकी सूरत हाल है। इस तरह फिर आगे आप देखें कि उसके बाद दौर आता है नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो का, और उसमें क्या हुआ कि वो नवाज शरीफ बेनजीर आती थी तो नवाज शरीफ मिल जाते थे। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये सोचा जब दोनों को फारिग कर दिया गया तो यानी जनरल मुशर्रफ आ गए, तो उसके बाद उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, आपको याद होगा, जिसमें यह कहा गया कि हम फौज की मुदाखलत को रोकेंगे और फौज की मुदाखलत रोक के हम हर हुकूमत को 5-5 साल देंगे और कोई हम इस दौरान कोई ना तहरीक चलाएंगे ना कोई नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। चुनाचे वो दौर शुरू हुआ। अब उसके बाद जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो फिर एक प्रो मुशर्रफ और प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक नया जो है तबका उठना शुरू हो गया, जिन्होंने कहा कि ये सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, इनकी जगह एक नई पॉलिटिकल क्लास आनी चाहिए और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो भी इसमें हम आवाज होती, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ जो है वो सामने आई, जो कहती थी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास करप्ट है और हम आगे ये गन साफ करेंगे और पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करेंगे। फौज ने
तहरीके इंसाफ की मुकम्मल सपोर्ट की और आप देखते हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो फौज की मुकम्मल सपोर्ट से पीटीआई ने जीता, लेकिन ये भी ना चल सका सिस्टम और फिर फौज और इमरान खान के भी इख्तलाफात हो गए और फिर फौज ने बाकी सियासतदानों के साथ मिलकर इमरान खान को फारिग कर दिया। तो पहले इमरान खान रिवेंज ले रहे थे नवाज शरीफ से, अब नवाज शरीफ ने इमरान खान से रिवेंज के लिए फौज के साथ मिल गए। तो बुनियादी बात जो मैं आपको सारी तारीफ से बताना ये चाह रहा था कि अगर ये आपस में एक दूसरे से इंतकाम लेते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत रखेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, तो फिर मुल्क तो ऐसे ही होना है। दुनिया भर में आप देखें, साउथ अफ्रीका की मिसाल देखें, नेल्सन मंडेला 40 साल जेल में रहे और जिस जो बॉडीगार्ड उनके ऊपर यूरिनेट करते थे उनको भी उसने गले लगाया, माफी दे दी जब उसका दौर आया। आपको कहीं माफी देनी पड़ेगी, कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, कहीं रिवेंज जो है उसकी बजाय आपको कोई रास्ता खुला करना पड़ेगा, या फिर लड़ते रहे, फिर लड़ते लड़ते चोंच भी गुम होगी, तुम भी गुम होगी और हम भी गुम होंगे। तो ये बात है इस सेंस की, शौर की। शाह साहब मौका देने के लिए, मैं हूँ डॉक्टर निशी खान, एक छोटा सा रोल प्ले कर रही हूँ बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी इन आर मीडिया कम्युनिटी। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स तो हम बहुत करते हैं, जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग्स नहीं करेंगे, हम इतने तबसरे होते हैं, पाकिस्तान के इतने पॉलिटिकल शोज होते हैं, जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग्स नहीं होंगे उनका कोई मकसद नहीं है। तो पहले बताएं कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान के जो यूथ है जो कि चाहती है कि बस हम बाहर चले जाएं पाकिस्तान में, नहीं तो फिर पाकिस्तान में तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आज भी आपकी क्या टैगलाइन यही है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि और कह के बताएं, आई वुड लव टू हियर दैट, थैंक यू सो मच। इमरान खान साहब से मैं और तीन दफ़ा ये मिला 9 मई के वाक़े से पहले, और मैंने उन्हें ये कहा कि बतौर एक जर्नलिस्ट के मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप दो रास्तों में से एक रास्ता अपना लें। एक रास्ता ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग कर लें और एक कंसेंसस इलेक्शन जो है उस पर पहुँच जाए, या दूसरा रास्ता ये है कि आप फौज के साथ सुलह कर लें। आप दोनों के साथ लड़ेंगे तो इससे तो नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। तो हमें साफ ये नज़र आ रहा था कि ये नतीजा कुछ ना कुछ बुरा निकलने वाला है। मैं नवाज शरीफ साहब के पास लंदन गया और मैंने उनको कहा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप ये जो रिवेंज का साइकिल है इसको बंद कर दें। अब अगर आप फौज के साथ मिलकर इमरान को मारेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इससे तो फिर साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। पहले इमरान ने फौज के साथ आपको मिलकर मारा है, अब आप फौज के साथ मिलकर उसको मारेंगे, तो इससे नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये आपकी बात सुनने से। तो दोनों लीडर जो थे उसके नतीजे में दोनों को पता था कि खाई में जा रहे हैं और दोनों ने उसका हल नहीं ढूंढा। और जब आप हल नहीं ढूंढते, रास्ता नहीं निकालते, ना पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, ना कंसेंसस हुआ, ना कोई रास्ता निकला कि पॉलिटिकल क्राइसिस का रास्ता क्या है। तो अब देखें, आप अपनी अदलिया देखें कि पहले जस्टिस बंदियाल साहब ने जिस दिन पहले दिन असम्बली तोड़ी इमरान खान ने, उस दिन असम्बली बहाल कर दी। पहले असम्बली तोड़ी तो असम्बली बहाल कर दी, हुकूमत दे दी। जब वो हुकूमत आ गई तो उसके खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए। अब वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी देर तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करेंगे और अदारों के असर से पाकिस्तान को आज़ाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना हम कैनेडा की फॉलोशिप कर सकते हैं, ना किसी बुरे जमहूरी मुल्क की कर सकते हैं। जमहूरियत के लिए चंद असूल हैं और वो असूल यही है कि एक तो आप अपनी नफरत और मोहब्बत में असूल ना बदलें,
कि मेरे लिए आप असूल और बना लें, अपने लिए अपने असूल और बना लें। इस तरह मुल्क नहीं चलता। अगर जो असूल नवाज शरीफ के लिए हैं वही इमरान खान के लिए होने चाहिए, और जो इमरान खान के लिए हैं वही जरदारी के लिए होने चाहिए। तो जब तक आप असूलों पे आप ये इत्तेफाक नहीं करेंगे कि मीडिया की आज़ादी को इमरान खान नुकसान पहुँचाए या जनरल आसिम मुनीर पहुँचाए या नवाज शरीफ पहुँचाए, ये गलत है। अगर अदलिया की आज़ादी को कोई भी नुकसान पहुँचाए अलफ बे ते, वो गलत है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी हटे, वो गलत है। तो आप लोग बड़े लोग हैं ओवरसीज के, आप तो कम अज कम असूलों पे चले। हम तो कमज़ोर लोग हैं पाकिस्तान में, शायद डरपोक भी हैं, आप बहादुर हैं, तो वो आप तो कम अज कम उन असूलों पे से जो हटे आप उसको खोलेंगे। भाई क्यों हट रहे हो? तो अपनी मोहब्बत और नफरत को शख्सियात के पैमाने पे ना नापें, असूलों के पैमाने पे नापें। जिस दिन आप असूलों को अपना लेंगे शायद हम भी आपकी तकलीद करें, आपके पीछे आएं। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, शायद ये भी आपसे सीख लें। आप जमहूरी शऊर हम तक ट्रांसफ़र करें, आपको करना चाहिए। चाइनीज़ ने चाइना को टेक्नोलॉजी दी जो ओवरसीज़ चाइनीज़ थे, नॉर्थ कोरियाज ने नॉर्थ कोरिया को जो है वो मजबूत किया उसका डिफेंस। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ठीक है हमें डॉलर भी चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा शऊर की ज़रूरत है। वो शऊर भी ट्रांसफ़र करें, और जो शऊर ट्रांसफ़र करेंगे तो पाकिस्तान तब्दील होगा। बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे बीच हमारे बहुत पुराने दोस्त, हमने मैंने और मलक इरफान बाबा जी ने काम कट्ठा स्टार्ट किया था, अब मेरी और इनकी एज का फर्क देख लें। तो मैं वेलकम करता हूँ मलक साहब, आपको भी थैंक यू। तो ये क्या खुला ताज़ा नहीं है? एक तो ये कि मेरे को दें और प्लीज़ आप बोल के कहें। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जियो पे इतने इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, ऐसी कोई शख्सियत है जो आपके जहन में, जो आपका दिल कर मन करता हो कि मैं शायद इससे कोई इंटरव्यू लेना चाहता था या लेना है मुझको? और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप यहाँ पे आएँ टोरंटो में, तो नासिर शाह साहब हमारे टोरंटो के असासा हैं और आप पाकिस्तान के हैं, तो आप प्लीज़ जब जाते हुए इनके साथ एक दिन जियो का इंटरव्यू प्लीज़ लेके जाएं, तो हम लोग यहाँ पर जितने भी हैं प्लीज़ जो है ना उनको बात करें। ये मेरी आपसे गुजारिश और वो है जी जवाब दें जी। पहली तो बात यह है कि ये जो लफ्स है ना जी, खुला तजाद है, ये बिछी खान साहब ने भी पूछा। सच्ची बात है कि ये जूं जूं मैं बोलता गया मुझे ये समझ आई कि हमारी सोसाइटी को अगर डिस्क्राइब करना हो तो इससे अच्छा लफ्ज़ कोई नहीं है। तो बुनियादी बात है कि ये हमारे अपने ऊपर ही तबसरा है कि हम कितने कॉन्ट्राडिक्शंस का शिकार हैं, कितने तजादात का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा लफ्ज़ था, इसके लोगों को भा भी गया। और सच्ची बात है बोला जाता है। अच्छा वो टीवी पे ही बोला जाता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने कहा अब हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो बाकायदा ऑफिशियली वो तो फिर टीम आती है, पहले से हमारी एक कमेटी है वो नामों का डिसाइड करती है, फिर उसके बाद जो है हम चाहते हैं कि कैनेडा की अब जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है माशाल्लाह ग्रो कर चुकी है, और जिस तरह हम अमेरिका बरतानिया से बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, यूरोप से कर चुके हैं, कि यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लोगों में तजस्सुस भी है और लोग डिजर्व भी करते हैं, तो इसके लिए फिर स्पेशल माल खर्चना पड़ता है। नहीं, माल भी नहीं, हम मुफ्त करते हैं। हम मुफ्त करते हैं। इसको माइंड रखिए जल्दी से। मसला ये है कि आया कि आज से जब मैं बचपन में था एक पीटीवी चैनल हुआ करता था जी, उसको जनाब रात को दिखा दिया जाता था कि हुकूमत में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है जी। अब जो मीडिया के कुछ जो लोग हैं उन्होंने हकीकत जो है वो आके दिखाई लोगों में, एक एक मैं कहता हूँ कि ओवरसीज से भी ज़्यादा जो हमारे वहाँ पर हीरोज बैठे हुए हैं उन्होंने सबको दिखाया कि ये हकीकत है। लेकिन आया कि आपके ख्याल में जो हमारे एंकर्स हैं आया कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं? जी देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त मीडिया अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त आज़ाद नहीं है,
पाकिस्तान के हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमें अल्टीमेटली मीडिया को सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा। क्यों? हमारी मजबूरी है। आप किसी भी शख्स से ज्यादा हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम सच नहीं बोलेंगे तो हमें देखेगा कौन। इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद होगी, मीडिया और उसके बाद वकला, ये सियासतदानों से भी पहले निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों की जमहूरियत में स्टेक है। अगर वकीलों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनके पास जाएगा कौन? जब अगर मीडिया को सच बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो मीडिया जाएगा कहाँ? मीडिया को फॉलोइंग कौन करेगा? हम बड़ी मुश्किल से लोगों को BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और आकाशवाणी से पाकिस्तानी मीडिया की तरफ लाए थे। पहले आपको याद है हमारे बचपन में लोग सच्ची खबर सुनने के लिए BBC सुनते थे या आकाशवाणी सुनते थे, तो बड़ी मुश्किल से मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया की तरफ रागब किया। अब फिर पाबंदियां लगाकर आपको सोशल मीडिया की तरफ जो है और जो कि बिल्कुल जिसका पता भी नहीं होता कि सोशल मीडिया सच कह रहा है झूठ कह रहा है, क्योंकि उसका सोर्स कोई नहीं होता। लेकिन ये बात यह है कि असूल पे आए कि मीडिया पे पाबंदियां गलत है। जब तक आप असूलों पे ये तय नहीं करेंगे कि मीडिया पे कोई भी आप पाबंदी लगाएगा वो गलत होगा, तो मेरा ख्याल है फिर मीडिया भी आज़ाद होगा। फिर आपको अगर कोई भयंकर फेंकी फेंकी करेगा तो वो भी नजर आएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हमने अपने सामने एंकरों पे अरूजो जवाल को देखा। बहुत से आप पुराने एंकर देखेंगे कि लोग बड़ी उनकी तारीफ किया करते थे, फिर उनकी कोई वैल्यू ना रही, और कई जिनकी वैल्यू नहीं होती थी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी आवाम के साथ अटैच है कि आप कितना बोल रहे हैं सच तो ये आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फिर लोग आपकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे। अगर नहीं क्रेडिबिलिटी आपकी तो लोग आपको छोड़ देंगे।